और दोस्तों क्या हालचाल है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट ऐप लॉक, यानी कि इस डिवाइस में एप्लीकेशन और गेम को लॉक कैसे करें। एप्लीकेशन लॉक करने के लिए सबसे पहले फोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहां सर्च बार पे फाइंड करेंगे ऐप लॉक। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधा ऐप लॉक सेटिंग्स में जा सकते हैं, या तो फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, नेक्स्ट ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स के अंदर आपको ऐप लॉक करने का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम एप्लीकेशन लॉक कर सकते हैं। अभी इसे टर्न ऑन करिए। इसके बाद पासवर्ड सेट करना होगा। इसमें पैटर्न, पिन या पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद सेम पैटर्न ड्रॉ करके कॉन्फर्म करना है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अगर आपके पास MI अकाउंट है तो उसे ऐड करें, अगर नहीं है तो आपको नॉट नाउ करना है। MI अकाउंट ऐड करने का फायदा ये है, अगर फ्यूचर में कभी भी एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल जाते हो तो MI अकाउंट के जरिए आप बहुत आसानी से ऐप लॉक तोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास MI अकाउंट है तो उसे जोड़ लें। सिलेक्ट ऐप्स, ज़्यादातर यूज़र इन एप्लीकेशन को लॉक करके रखते हैं। अगर आप इन सभी एप्लीकेशन लॉक नहीं करना चाहते हैं तो टिक मार्क हटा देना। इसके बाद आपके सामने सभी एप्लीकेशन का लिस्ट चले आएगा। इनमें से जिन जिन एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहते हैं उसे टर्न ऑन कर दीजिए। तो मैं इनमें से जील, अमेजॉन, मैसेज एंड गैलरी एप्लीकेशन को लॉक कर देता हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन लॉक हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करना होगा। यहाँ राइट टॉप कॉर्नर सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करिए। लॉक सेटिंग्स, यहाँ पे तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, एक बार उस एप्लीकेशन को पासवर्ड डाल के खोलने के बाद वो अनलॉक रहेगा, मतलब जब इस डिवाइस को लॉक करेंगे तब जाके वो एप्लीकेशन दोबारा लॉक होगा, नहीं तो वो अनलॉक ही रहेगा। इनमें से आप सेकेंड ऑप्शन चूज कीजिए। इसका मतलब है जब स्क्रीन लॉक करेंगे या फिर उस एप्लीकेशन से एग्जिट करेंगे तब वो तुरंत लॉक हो जाएगा। अगर आप थर्ड ऑप्शन को चूज करते हैं तो एप्लीकेशन से बाहर आने के एक मिनट बाद वो लॉक होगा। हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट, जिन जिन एप्लीकेशन को लॉक किया है उसका नोटिफिकेशन आएगा, पर उसके अंदर जो नोटिफिकेशन कॉन्टेंट है वो हाइड रहेगा। नोटिफिकेशन कॉन्टेंट हाइड करने के लिए इसका परमिशन इनेबल कर दीजिए। चेंज पासवर्ड टाइप में जाके आप पैटर्न, पिन और पासवर्ड को चूज कर सकते हैं। अगर पैटर्न लाइट को हाइड करना है तो यहाँ से शो पैटर्न ऑफ कर सकते हैं। पासवर्ड के अलावा ऐप लॉक एक्सेस करने के लिए फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ऐड MI अकाउंट, अगर आप कभी भी ऐप लॉक का पासवर्ड भूल जाते हैं तो MI अकाउंट के जरिए ऐप लॉक तोड़ सकते हैं, नहीं तो लॉक रिसेट करने के लिए फोन फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस डिवाइस में एप्लीकेशन लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।